मुझे चिढ़ है इस मिलावट छिलावट से। पेचीदे फॉर्मूले नापना तोलना ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझसे ये कभी नहीं होगा। क्या तुम जादूगरी के छात्रों को अपनी पढ़ाई यहाँ करना जरूरी है? कितनी बदबू फैला रखी है। जल्दी करो गस, हम आखिरी सामग्री मिलाने को तैयार हैं। हाँ, गिरगिट के पसीने का ये इत्र जल्दी उड़ जाएगा। अच्छा बाबा अच्छा। ए, तुमने पहले तिलचट्टे के पंख मिलाए या मगरमच्छ के आंसू? अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, इम्तिहान की घड़ी, आकार छोटा करने वाली दवाई तैयार होने वाली है। चलो एक साथ मिलाओ। अरे क्या इन सब का रंग एक नहीं होना चाहिए था? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। उसे जरा ध्यान से पकड़ना। कैसी? कामयाबी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही साइज का हो गया। ज्यादा देर नहीं रहेगा, इसका असर कुछ देर ही रहता है। मैंने कर दिखाया। उम्मीद है ये काम करेगा। काम तो किया पर उल्टा। खीखी करके हंसने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ दोबारा मिलाने में मुझे घंटों लग जाएंगे। फिक्र मत करो, कोशिश करते रहो, तुम कर पाओगे। मुझे नहीं लगता ये टेबल ठीक होगी। क्यों वक्त बर्बाद करते हो? बस झटपट जादूगर सुपरमार्केट जाओ और आकार छोटा करने की दवाई खरीद लाओ। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। तुम ठीक कहते हो, स्कूल के बाहर कोई जादूगर अपनी दवाई खुद नहीं बनाते। मैं भी जाकर बना बनाया फॉर्मूला खरीदता हूँ और अपना वक्त जरूरी चीजें सीखने में लगाता हूँ। समझदारी की बातें करो गस, तुम तो सरासर चीटिंग करने जा रहे हो। हमें ईमानदारी सिखाई जाती है। जादूगर और ईमानदार? जानती हो जादूगर कितने ईमानदार होते हैं? इतने। मुझे इसकी परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो नकचड़े मेंढक। अगर सभी बेईमानी पर उतर आए तो दुनिया का क्या होगा? हमारी छोटी मोटी दुकान पर आपका स्वागत है। मैं हूँ बैग्स, ये मेरा भाई बूडल्स। पाताल के छह कोनों से इकट्ठा की बेहतरीन चीजों का खजाना है हमारी दुकान। शायद आपको दिलचस्पी होगी इस जादुई गाने वाली तलवार में जो महान एबरक्रॉम्बी के पास थी। लगता है इसका गला खराब है। या ये बेजोड़ कालीन जिसे अपने हाथों से बनाया है मकड़ी रानी की दासियों ने। साथ में इतने सारे पतंगे बिल्कुल मुफ्त। अपनी सेल्समैन गिरी पर्यटकों पर छाड़ना। मैं हूँ टॉल, इस इलाके का नया हफ्ता वसूली करने वाला, जिसे खुद महान जारलेक ने काम पर रखा है। वाह, फिक्र न करे श्रीमान मोटापा, यहाँ कुछ भी चोरी का माल नहीं है। सोची महान जारलेक जानते हैं कि छोटे पिशाचों की दुनिया चोरों और उच्चकों से भरी पड़ी है। ये दुकान जारलेक के पाताल लोक में कैद होने से पहले से चल रही है और उनके बाद भी चलती रहेगी। उनके आखिरी महान विजय के बाद भी चलती रहेगी, मेरा भाई यही कहना चाहता था। महान जारलेक को कोई परवाह नहीं कि छोटे पिशाचों की पूरी दुनिया चोरी का सामान बेचती है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके लगाए लगान भरे जाए। राजा जारलेक की जय हो, राजा जारलेक की जय हो, राजा जारलेक की जय हो। एक बात कहना तो भूल ही गया। ये मेरा हिस्सा है। ये भी कोई कहने की बात है श्रीमान पिलपिले, हमारे वर्दी वाले अफसरों को तो खर्चा पानी मिलना ही चाहिए। हाँ। नकली दांत वाला हाथी कहीं का, इस दुकान में सिर्फ वो हीरा ही दोस्ती था बैग। पर वो भी इससे ज्यादा कीमती नहीं था। तुमने जरलेक के अफसर की जेब काट ली। मेरा भाई बैग्स चोरों का राजा, और मेरे गले लग जाओ। और कहीं वो वापस न आ जाए इसलिए हम दुकान बंद कर लेते हैं। ये क्या है मेरे भाई,
ये पश्चाताप के महल का जादुई बक्सा है। मैंने इसे एक पछताई हुई विधवा चुड़ैल से खरीदा है, नकली सिक्के देकर। तुमने अच्छे वाले नकली सिक्के तो नहीं दिए, क्योंकि ये भी नकली हैं। बेशक है, पर ये एक अच्छी नकल है। इसके नीचे लगा शाही ठप्पा देखो। ये तो जादुई है। ये क्या है मेरे भाई, कोई जादुई तस्वीर है क्या? बिल्कुल असली लगती है। ये असली ही है, मेरा हाथ इसमें घुस गया। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, वो जादुई दरवाजा? ये जादुई दरवाजा ही है दूसरी दुनिया में जाने वाला। पर ये किस दुनिया में जाता है भाई? पता लगाने का एक ही तरीका है। ये काम तो करता है, पर सवाल ये है कि क्या मुझे दुकान से खरीदी हुई इस चीज को इस्तेमाल करना चाहिए? जानते हो मैं क्या सोचता हूँ, जैसा दूसरा करते हैं वैसे ही करो। जरा देखो तो मेरे अखबार में हमें क्या मिला। ये इंसानों वाला अखबार है, जादूगरों की छपाई नहीं, समझे? इसमें छपी तस्वीर को गौर से देखो। गस, ये क्या है? जादूगरनी वांडा की वंडरफुल छोटा करने की दवाई। गस, तुम इसे क्लास में इस्तेमाल करने का सोच रहे हो? दरअसल मैं हाँ, देखो मैंने इसे ईमानदारी से बनाने की कोशिश तो की थी, तुम जानती हो ना। ये फिर भी चीटिंग है। देखो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तस्वीर का सोचो। हाँ, इसके बारे में तो हमें युवाओं से बात करनी ही चाहिए। यकीनन ये छोटे पिशाच हैं, चीजों को उठाने वाले पिशाच। मुझे लगता है इंसान तो ये तस्वीर देखकर ही घबरा रहे होंगे। नहीं, इसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। पिछले हफ्ते एक अंतरिक्ष बच्चे की तस्वीर छपी थी। युबोस, ये पिशाच यहाँ धरती पर दुकानें क्यों लूट रहे हैं? चीजें उठाने वाले पिशाच हमेशा पाताल लोक में रहे हैं, खासकर ये पिशाच। एक नंबर के चोर हैं ये, चोरी का सामान बेचते हैं। मतलब वो हमारी दुनिया से सामान चुराकर अपनी दुनिया में बेच रहे हैं। ऐसा ही लगता है। सवाल ये है कि कैसे? अगर वो कर सकते हैं तो औरों को कैसे रोका जा सकता है? तुम्हारा मतलब जालक? पर वो अपनी जादुई कैद से कैसे मुक्त होगा? नहीं हो सकता, पर यहाँ आने का रास्ता मिल जाए तो जारलैक इन छोटे मोटे पिशाचों से भी खतरनाक लोग यहाँ भेज सकता है। पता लगाना चाहिए वो यहाँ आते कैसे हैं। बिल्कुल, पर जाने से पहले तुम्हें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिससे तुम जानकारी का सौदा कर सको। माफ करना, देर हो गई। थोड़ा वक्त लग गया। अरे, हम तो अपने कमरे का सारा सामान यहाँ उठा कर ले आए हैं। और मैं भी। ओहो, इतनी सारी चीजों के बीच मेरा दम घुट रहा था, पर इन पिशाचों से सौदा करने के लिए तुम्हें हर तरह का सामान चाहिए। तुम तैयार हो? अपने बस्तों को कस कर पकड़ लो, इस यात्रा में झटके लगेंगे। क्या कोई सीधे उतरने वाला मंत्र नहीं जानता? ये है वो बाजार, चीजें उठाने वाले पिशाचों की दुनिया। वो इतनी बड़ी जगह में हम उन दो छोटे छोटे पिशाचों को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? जासूसी कार्रवाई करो, दुकानदारों से पूछो, अपने बस्तों में रखी चीजों से जानकारी हासिल करो। कोई ना कोई जरूर बता देगा। अगर कीमत अदा कर सको तो कोई बात ज्यादा देर गुप्त नहीं रहती। मैं तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। याद रखना, ये पिशाच बहुत चालाक है, तुम्हें सूझबूझ से काम लेना होगा। तो हम नीचे कैसे उतरेंगे? कूद कर हमारी इस यात्रा से ज्यादा तकलीफ दे नहीं होगा। हम इसके बाद सुनते क्यों हैं? ये बाजार है या भूल भुलैया? अरे, हम घूम फिर कर फिर उसी जगह लौट आए हैं। ओ, यहाँ गुम हो जाना आसान है। अब तक हम कितनी दुकानों का चक्कर लगा चुके हैं? कम से कम 2 दर्जन। कोई भी पिशाच कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। लगता है इन लोगों को घूस खिलानी ही पड़ेगी, तब जाके ये कुछ बोलेंगे। देखो, मैंने अपनी घड़ी के बदले क्या लिया, ये तकदीर बता सकता है। अरे, दुकान पर तो बात कर रहा था। अरे, तुम बेवकूफ बन गए मेरे इंसानी दोस्त। जरूर दुकानदार ने कोई टेप रिकॉर्डर चला रखा होगा। इन पिशाचों की क्या बात है, ये वाकई चालाक है। सिर्फ वही इस बात की तारीफ कर सकता है जो क्लास में चीटिंग करता हो। अरे बस भी करो, अगर तुम सोचते हो ना। देखो कौन आ रहा है। ये स्कूटर तो यकीनन हमारी दुनिया का है। सुनो बच्चे, जाओ। यही वो जगह है, कोने से छठी दुकान।
ताला लगा हुआ है। बताओ अब हम क्या करें? आलतू ताला तोड़ तू। अच्छा तो क्या ये हमें सिखाते हैं क्लास में मिस ईमानदार? यहाँ हमारी दुनिया का बहुत सामान है। लगता है हम सही जगह पहुँच गए हैं। दोस्तों हा? इधर आओ, मुझे लगता है हमें मिल गया। लेकिन ये है क्या? हा? अरे ये कोई आम तस्वीर नहीं है, देखो। एक मिनट रुको, यू बोस से पूछते हैं। खुली हवा के लिए मैं तरस गया था। बहुत खूब काम किया तुमने बच्चों। ये यकीनन एक जादुई बक्सा है। ये दूसरी दुनिया जाने का दरवाजा खोलता है। कई सदियों से ऐसा दरवाजा मैंने कभी नहीं देखा। और वो बौने पिशाच कहाँ है? मेरे ख्याल से ये आवाजें वहीं से आ रही हैं। वो वापस आ रही, झुक जाओ। चोरी करना इतना आसान होगा ये सोचा भी नहीं था। वहीं रुक जाओ चोर कहीं के। अपने हाथ उठाओ और जादुई बक्से से दूर हट जाओ। जादुई बक्सा? कभी नहीं। चैन पुलिस की आग जलेगी। आदू जादू घूम जा तू। जाने और नहीं मम्मी, 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 मम्मी। हम पृथ्वी के जाने माने जबरदस्त जादूगर हैं, जो तुम्हारे जुर्म की दुनिया खत्म करने आए हैं। और हम ये जादुई बक्सा भी ले जाएंगे। ले लिया। ओह प्लीज, जबरदस्त जादू करो, हमारी रोजी रोटी का इकलौता साधन मत ले जाओ। अरे दूर हटो चोर, ऊपर पृथ्वी पर अपनी शक्लें दोबारा मत दिखाना, वरना हम यहाँ वापस आ जाएंगे। बंद हो जा सिम्सिम। हमने कर दिखाया। हाँ हमारा काम तो हो गया, चलो वापस चलते हैं। नहीं जा सकते। हाँ? यो बॉस कहीं गायब हो गया है। हमारा जादुई बक्सा चला गया और साथ ही हमारा अमीर बनने का सपना भी। शायद नहीं, उस चिड़ी-चिड़ी जादूगरनी के बक्से से मेरे हाथ एक चीज लगी है, जानते हो? तुमने एक जादूगर की जेब काट दी। लाओ मुझे दिखाओ। ये जादुई मंत्रों की किताब है। मंत्रों वाली किताब? ये तो बेशकीमती है। हम अमीर बन जाएंगे। बोलो, महान सारले अंदर आना चाहते हैं? महान जालेक की जय हो। वो आए हमारी दुकान पर। खामोश, हमें बताओ कि तुम पृथ्वी से चीजें कैसे लाते हो? हमसे झूठ बोला तो तुम्हारी जुबान से निकला हर शब्द आखिरी होगा। हम रास्ता भटक गए हैं। एक बार वो चोर मेरे हाथ लग जाए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चलो वहाँ ढूंढते हैं। पर हम सच कह रहे हैं महान जारलैक, पृथ्वी पर जाने का हमारा जादुई बक्सा जादूगरों ने चुरा लिया। बंद करो ये बिलबिलाना। जब तक तुम नहीं बताओगे कि वो जादुई बक्सा कहाँ है, हम यहाँ तोड़ फोड़ करते रहेंगे और उसके बाद हम तुम्हें चींटियों की तरह मसल डालेंगे। ओफो, जिंदगी में पहली बार हम सच कह रहे हैं और कोई हमारा यकीन नहीं कर रहा है। इसी की कमी थी जारलैक, और वो पूरी दुकान की छानबीन करेगा। हमें यूबोस को वहाँ से निकालना ही होगा। पर हम जारलैक की नजरों से कैसे बचे, और न जाने उन पिशाचों ने यूबोस को कहाँ छिपा रखा होगा। गस, क्या तुम वो सुपरमार्केट से खरीदी हुई छोटा होने की दवाई लाए हो? हाँ मैं तो सब कुछ उठा लाया हूँ, वो मेरी बनाई बड़ा करने वाली दवाई भी। तो तुम यहीं रुककर जादुई बक्से की रखवाली करो, वन और मैं वहाँ जाकर पिशाचों से मिलते हैं। हम उनसे ऐसा सौदा करेंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तोड़ फोड़ का काम हम पर छोड़ दे बेवकूफ, हम जो ढूंढ रहे हैं वो कहीं भी छिपा हुआ हो सकता है।
अच्छा तुमने हमें पिंजरे से छुड़ा लिया, हमने तुम्हें वो मंत्रों की किताब कहाँ है बता दिया, ईमानदारी का सौदा है, अब हमें जाने दो। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं, तुम दोनों हमारे साथ चलो। और अगर हम ना आए तो? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे बौने बनकर ही रहना चाहते हो? और मैं सोचता था कि सौदेबाजी सिर्फ हमें आती है। यहाँ नीचे। किसने हमें पुकारा? सामने आओ। भागो यहाँ से। आजा झटपट आपकी लपट। अरे वो दोनों तो पकड़े गए, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ? अब मैं सोचो गर्ल्स सोचो। यही है वो जादूगर जिन्होंने हमारा जादुई बक्सा चुराया, हमने धोखे से इन्हें पकड़वा दिया। इस वफादारी का हमें इनाम मिलना चाहिए महान जादूगर ज़ारलेक। हाँ, हद करते हो तुम दोनों। अगर तुम्हें जादुई बक्सा मिल चुका था तो तुम यहाँ वापस क्यों चले आए? तुम्हारा सुंदर चेहरा देखने के लिए। माफ करना महान ज़ारलेक, पर इस पर शायद हम कुछ रोशनी डाल सकते हैं। इसकी छोटी सी कीमत लेंगे बस। ये तो किताब लेके आए हैं जो यहाँ छोड़ गए थे। किताब? कौन सी किताब? क्या हो रहा है? याहू! तुम कभी वाह, यहाँ कौन किसे बचा रहा है भाई? बस आपका प्यारा सा 10 फुट का जादूगर बच्चा। शाबाश गस, अब हमारी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओ। और दोनों हाथ। हाँ, जाने का वक्त हो गया। मैं नहीं जा पाऊंगा। बिल्कुल जा पाओगे, ये तो जादू है, हर उम्र हर किसी के लिए। फिर बच गए। फिर से नहीं। तुम दोनों चूजे कहाँ भाग के जा रहे हो? आपको छोड़ के जा भी कह सकते हैं श्रीमान खूंखार। हट जाओ, गस आने वाला है। मेरे ख्याल से गस के लिए थोड़ी सी दवाई बची है। बहुत अच्छा काम किया तुम सबने बच्चों। लाओ गस, वो जादुई बक्सा मुझे दे दो। अरे नहीं, मुझे लगता है जब मैं गिरा तो शायद ये टूट गया। अच्छा हुआ, अब ये कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। ओ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तुमने जो दुकान से दवाई खरीदी थी हमने वो सारी खत्म कर दी। अरे कोई बात नहीं, आगे से तो मैं अपनी दवाई खुद ही बनाने की कोशिश करूँगा। मैंने सोचा तुम तो मतलब बेईमानी करूँगा। पिशाचों की दुनिया देखकर बेईमानी से मेरा मन भर गया है। पता नहीं मैं इतनी जल्दी सुधर कैसे गया। शाबाश, गलती मान लेना बड़प्पन की निशानी है। बड़प्पन की बात मत करो, अभी अभी बड़े से दोबारा छोटा हुआ हूँ।